Jai Bhim. Jai Bhim. इंसाफ इंडिया के द्वारा आज मैं ये नहीं कहूंगा कि ये CAA के विरोध में या NRC के विरोध में ये कोई जनसभा हो रही है। मैं ये कहूंगा कि आज यहाँ पर संविधान को बचाने के लिए आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मेरे पहले जो वक्ता यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे आपके इस सरजमीन की ये मिट्टी मेरे हाथ में दी। मैं इस मिट्टी को अपने माथे से लगाता हूँ और यहाँ के लोगों को मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इसी पाक जमीन से, इसी जमीन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान सभा में गए और इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिख सके, ये इस देश के, इस पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के माध्यम से बाबा साहब इस देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब इस देश का लिख सके। NRC पर और CAA पर सारे वक्ताओं ने बात रखी, ये क्या कानून है और ये क्या करने वाले हैं ये आप लोगों को बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बात बताना चाहता हूं। ये क्यों हो रहा है? 350 से अधिक सांसद इनके इस देश के लोकसभा में बैठे हैं, पूरी राज्यसभा इनके कब्जे में है, पूरा न्यायपालिका इनके कब्जे में है, पूरा मीडिया इनके कब्जे में है, फिर इनको क्या जरूरत पड़ रही है कि इस देश के संविधान का एक एक आर्टिकल ये क्यों खत्म कर रहे हैं? 1925 में RSS की स्थापना हुई, कांग्रेस में से कुछ लोग बाहर निकले और उन्होंने 1923 में ये गठबंधन शुरू किया, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरुआत की और 1925 से RSS की स्थापना की। 1925 में गोलवलकर और उनके साथियों ने ये कसम खाई कि 100 साल के अंदर हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और 2025 में ये मोदी और ये शाह इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये NRC और CAA ये कोई इनका कोई मसला नहीं है, ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम ये दोनों कर रहे हैं और ये देश पूरी तरह से इस देश का संविधान हटाने के काम काज पर ये लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाया। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं पहले हिंदू हूं, मैं पहले मुसलमान हूं, मैं पहले मौत हूं, यह मैं पहले सिख हूं, यह भावना नहीं चलेगी। हम पहले इस देश के नागरिक हैं, हम पहले भारतीय हैं और अंतिमता भी भारतीय है, ये हम लोगों में भावना होनी चाहिए। लेकिन आज इस भावना को तबाह करके आर्टिकल 14 को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। मैं इस बात का 2014 से प्रचार कर रहा हूं कि भारत का संविधान खतरे में है। जाहिद भाई मेरे यहां बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, हर राज्य में जाकर हम लोगों को यह बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत का संविधान खतरे में है। आज भी आप लोगों के हाथों में मोबाइल है, गूगल पर जाओ, समर्थभारत.com ये टाइप करो, समर्थभारत.com RSS की ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर अनेक सालों से, अनेक वर्षों से भारत का भावी संविधान वहां पर रखा हुआ है। वो कोशिश में लगे हुए थे कि एक बार हम लोग इस देश के ऊपर काबिज हो जाए, हम हमारा संविधान लागू कर देंगे। और इनका संविधान क्या है? इनका संविधान है मनुस्मृति। ये NRC और ये CAA आपको लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ये इस देश के SC ST OBC और जितने भी माइनॉरिटी है ये सभी लोगों के खिलाफ है। ये
हम लोगों को जितने जल्दी समझ में आए उतना समझ जाना चाहिए। हम लोगों को लगता है ये तो मुसलमानों की लड़ाई है। मुझे हमारे कुछ बौद्ध लोग कहते हैं ये तो मुसलमानों का है, हमारा क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होने वाला है। एनआरसी ये जब लागू होगा 21 जनवरी 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे, इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये कुछ भी नहीं चलने वाला। इसको अभी ही से ही घोषित कर दिया है कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। 1971 के पहले के मेरे दादा परदादा के डॉक्यूमेंट्स हमको देने होंगे। क्या आज किसी भी शेड्यूल कास्ट के पास ये डॉक्यूमेंट्स है? क्या किसी आदिवासी के पास ये डॉक्यूमेंट्स है? एक तरफ अगर मुस्लिम लोगों के पास ये नहीं होगा तो मुस्लिम लोगों को डिटेंशन कैंप में या देश छोड़ जाने की आदेश होगा, लेकिन जिन बौद्धों के पास, जिन सिखों के पास, जिन हिंदुओं के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको कहेंगे आपको भारत छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत के शिक्षा में आपका कोई अधिकार नहीं होगा, भारत के हॉस्पिटल्स में आपका कोई अधिकार नहीं होगा, भारत में वोट देने का अधिकार आपको नहीं होगा। इन लोगों को फिर से इस देश में हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने एनआरसी लागू किया है। इस देश से मुसलमान अगर बाहर चला गया लेकिन SC ST OBC बाहर नहीं जाएगा, वो इस देश के ब्राह्मणों का गुलाम हो जाएगा और फिर से हमारे गले में मटकी और पीठ पे झाड़ू बांधने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहा। मैं अभी पाकिस्तान जाके आया, अभी पिछले हफ्ते में मैं पाकिस्तान में था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये धमकी देता है कि इस देश के देशद्रोही को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अरे मैं वहां जाके आया, मुझे वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पर वहां पर मुझे ये किसी ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। वहां के लोग हम लोगों को स्वीकार कर रहे थे, हमारा स्वागत कर रहे थे। अरे वो अलग देश है, पराया देश, वहां पर हमारा स्वागत होता है। और जो देश हमारा है वहां पर हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, इस देश में से मुसलमानों को, बौद्धों को, सिखों को, क्रिश्चियनों को जाने की नहीं, इस देश में से अगर किसी को बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को इस देश से बाहर जाने की जरूरत है। ये मिट्टी, ये भारत की मिट्टी, इसमें हमारा खून शामिल है। इस देश को आजाद करने में हमने हमारे पूर्वजों का बलिदान दिया है। अरे आपने सारा नाखून नहीं काटा और आप हमको कहते हो कि इस देश से निकाल देंगे? 3.5% है ये लोग, 3.5% पूरे देश भर में। अभी सर ने नारा दिया है मोदी हटाओ, लेकिन मैं खुद कहता हूं मैं मोदी हटाने का या अमित शाह हटाने का कैंपेन कभी नहीं करता। क्या करोगे मोदी हटाकर? एक मोदी को हटा दिया, दूसरा आके बिठा देंगे। एक अमित शाह हटा दिया, दूसरा अमित शाह बिठा देंगे। इसलिए मोदी हटाकर काम नहीं बनने वाला, अमित शाह हटाकर काम नहीं चलने वाला। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होते हैं उस फैक्ट्री को हटाना होगा। आरएसएस को हटाओ, मोहन भागवत को हटाओ, मुझे बहुत पहले से पता था कि इस देश की लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हेलो, मुझे बहुत पहले से ये जानकारी हो चुकी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को इस देश में कैद करकर हम लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। पुलिस हो या कि न्यायालय हो, यहाँ का राष्ट्रपति हो, हम लोगों को न्याय नहीं दे पाएगा। और इसीलिए मैंने आज का दिन पश्चिम बंगाल सरकार आरएसएस को बैन करो, पश्चिम बंगाल सरकार आरएसएस को बैन करो, पश्चिम बंगाल सरकार आरएसएस को बैन करो, पश्चिम बंगाल सरकार आरएसएस को बैन करो,
मुझे बहुत पहले से ही अंदेशा हो गया था कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, इस देश की डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है। इस बात का जब मुझे पता चला, कोई बात नहीं, स्पीच दीजिए। मैं सितंबर महीने के आंदोलन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने गया। लंदन में हम लोगों ने इस देश की हो रही डेमोक्रेसी के कत्ल का बात वहां पर हम लोगों ने किया। नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में वहां पर जाकर भाषण दे रहा था और यहां का मीडिया आज तक जी न्यूज यहां पर अमेरिका में 100-150 लोग नरेंद्र मोदी का वेलकम कर रहे थे, उनको प्रोजेक्ट करने का काम भारत का मीडिया कर रहा था। लेकिन उसी अमेरिका में 50,000 से 60,000 लोग, हम सारे लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, यहाँ का मीडिया उनको दिखा नहीं रहा था। लेकिन हम लोग अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी को नंगा करने का काम हम लोग वहां पर कर रहे थे। भारत में जितनी भी परिस्थिति यहाँ पर घट रही है, जय श्री राम बोलने पर हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनकी हत्या हो गई। मध्य प्रदेश में हमारे 2 बच्चों को रास्तों के ऊपर शौच करने के लिए बैठ गए, इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। हमारा गुजरात का आदमी शादी में बगल में बैठकर खाना खाया, इसलिए उसको पीट कर मार डाला। ये केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, ये हमारे साथ भी हो रहा है। बेशक ये हमारे साथ भी हो रहा है। और ये सारी बातें मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के कमीशन के सामने रखी, ये सारी बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी, यूरोपियन यूनियन के सामने रखी। 2 महीने में ही मुझे रिजल्ट मिला। आज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएस कमीशन ने इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की कामकाज को शुरुआत कर दी है। इस देश के संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने परिवार तक को कुर्बान किया है। इस देश में लोकतंत्र हो, इस देश में भाईचारा बने, बाबा साहब ने अपने बच्चों को नहीं देखा। 4 बच्चे बाबा साहब के दवाई के बिना मर गए। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाने के लिए अपने परिवार तक को कुर्बान किया है। आज उसी परिवार से मैं आता हूं। बाबा साहब का परिवार कुर्बान हो सकता है, लेकिन इस देश का संविधान हम कतई कुर्बान नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने अपना खून लगाया है इस देश के संविधान को बनाने के लिए। क्या है ये संविधान? जिंदाबाद। क्या है ये संविधान? क्यों ये लोग इस देश के संविधान के खिलाफ है? आपको पता है इस देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने यह संविधान इस देश को दिया। बाबा साहब क्या कहते हैं पता है? संविधान देते समय, उस समय बाबा साहब कहते हैं संविधान सभा में, ये संविधान तो अच्छा है, ये संविधान जो मैंने बनाया है ये उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया संविधान है, लेकिन जिनके हाथों में जा रहा है वो लोग नालायक है, वो लोग इस देश को संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे। और आज ये बात सच साबित हो रही है। आज किनके हाथों में है ये इस देश का संविधान? किनके हाथों में है इस देश का संविधान? गोधरा हत्याकांड का प्रमुख आरोपी, एक बंदा जो वांटेड है, ऐसे हाथों में इस देश का संविधान चला गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मालेगांव बॉम्ब स्फोट की टेररिस्ट, उसके हाथों में संविधान है। 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बलात्कारी है, उनके हाथों में संविधान है। क्या ये लोग संविधान को चलाएंगे? क्या इस देश को संविधान के अनुसार चलाएंगे?